सक्सेस जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अभी मैं आपके सामने 2009-10 में एज ए टेक्निकल कैंपस चालू किए थे, जहाँ पर हमारे पास 320 स्टूडेंट थे 1920। आज की तारीख में हमारे पास मोर देन 50 प्रोग्राम्स है जो डिग्री और कई प्रकार की डिग्रियाँ देती हैं, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्सेचर है, फार्मेसी है, ये सारी फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज। तो उस वक्त से अब तक की जर्नी में 320 स्टूडेंट्स थे, ये 7.5 ईयर्स की जर्नी, जो 8वां साल अभी कंप्लीट होने वाला है, उसमें आज की तारीख में हमारे पास 8000 स्टूडेंट्स हैं और 600 से भी इंस्टीट्यूशन को जल्दी से लाइमलाइट में आने के लिए, जब तक वो इंस्टीट्यूशन 5 गुना ज्यादा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो टीचिंग होती है, मगर वो काम जो क्या बोलते हैं क्वालिटी का हो, और फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स विश्वास होता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि क्या बोलते हैं कि ये इसको प्लेस होते हैं, किस प्रकार का रिसर्च होता है, किस प्रकार की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती है, और बाकी काफी चीजें हैं जो ये। उसके बाद 37,000 प्लस कॉलेजेस हैं और कुछ करने वाले हैं, उसमें क्या विशेषताएं होंगी कि राजस्थान का छात्र यहाँ से वहाँ पर पढ़ने जाए, गुजरात की तारीख नहीं करनी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ, सो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो 3-tier टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर पर निर्भर है। उसका जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन डिलीवरी का 3-tier का है। पहला टायर, सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि क्या हमें डिग्री इम्पॉर्टेंट है, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, कि डिग्री इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं थ्रू वे मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग। सेकेंड, अब दूसरा सवाल ये है, खाली डिग्री से क्या मुझे जॉब मिल जाएगा? तो आपका सवाल नेचुरली ये होगा कि खाली डिग्री से मुझे जॉब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डिग्री के अलावा मुझे कुछ और भी चाहिए। तो क्या है वो चीज़ जो मुझे चाहिए ताकि मुझे पहला दरवाज़ा मेरा खुल सके, और क्या है वो है पहला जॉब। तो जॉब के लिए हमको जो स्किल चाहिए, वो कोर्स जो हम पढ़ाते हैं उसको मैप करते हैं उसके स्किल के हिसाब से, जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो आप ग्रेजुएट होने के बाद अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए चाहिए। हाँ, ये यही साबित कर रहे हैं, और स्थापित हम यहाँ कर रहे हैं, राजकोट में हैं, जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर है, यहाँ अराउंड 700 किलोमीटर है राजकोट हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो हुआ स्किल के अलावा भी सफिशिएंट नहीं है। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि स्किल तो मिल ही रहा है आपको, तो आपका पहला दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब ज़िंदगी का पहला दरवाज़ा जो जॉब हो या एंटरप्रेन्योर हो वो खुल रहा है, मगर इसके बाद मेरे को पहला जॉब नहीं चाहिए, उसका वहाँ पर मेरी दौड़ ख़त्म नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे जॉब के बाद मुझे उस कंपनी का CEO बनना है, या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, या जनरल मैनेजर बनना है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर बनने के लिए हमको डिग्री और स्किल एलोन सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और भी चाहिए। उसको बोलते हैं बिहेवियरल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, पेट्रियोटिज्म, ये सारी स्किल्स चाहिए, तब जाके मैं कंपनी का CEO बन सकता हूँ, या सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या लीडरशिप वो कर सकता हूँ। हम ये तीनों फ्रेमवर्क, मतलब डिग्री प्लस स्किल्स प्लस एटीट्यूड जो बोलते हैं बिहेवियर, वो तीनों हम ऑफर करते हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से, जिसकी वजह से स्टूडेंट या तो अपने आप प्लेस हो जाता है, या कंपनीज उसको लेके जाती है, या फिर वो खुद ऐसे कंपनी स्पिन आउट होता है। तो ये तीनों मॉडल पर हम लोग काम करें, और हमारा पहला अपॉर्चुनिटी है ही शुड बिकम अ जॉब क्रिएटर रैदर देन ए जॉब सीकर, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पहले एंटरप्रेन्योर बने। सो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी जी का जो हैकेथॉन का जो कॉन्सेप्ट था, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने किया, और इट वॉज द मेंटर यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पूरे फर्स्ट में, पूरे राजकोट में, पूरे गुजरात में, इंडिया में पहली बार हम लोगों ने किया था, जिसका प्रसारण डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को उसकी फीडबैक दी थी वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर राजकोट ने, और चीफ मिनिस्टर खुद आए थे देखने के लिए हमारे राज्य के।
हाँ, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कोस्टा है, मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ।